अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आप लोग की हिफाजत करे, आपकी सारी जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे। आज मैं बनाने जा रही कढ़ी पकौड़ा। देखिए मेरे हिसाब से मैं कैसे बनाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने टमाटर लिए हैं और ये लहसुन, पहले मैं इसको पीस लूँगी, फिर मैं इसको बेसन में डालूँगी। आधे मैंने ये पहले पीस लिया है, फिर ये आधे मैंने लहसुन रखा है कि ये मैं तड़के में यूज़ करूँगी इस लहसुन को। इसे पीस के अभी दिखाती हूँ। ये देखिए पीस चुका है और मैंने इसमें बेसन ले लिया है। ये मैं इसमें डालूँगी पेस्ट और इसमें दही। इसको अब मिक्स करूँगी। इसमें मसाले, मिर्च, हल्दी, नमक, ये मिक्स हो चुका है। इसमें मैं पानी डालूँगी और इसे अब उबालने तक गैस पे चढ़ा दूँगी, धीरे धीरे पकेगा। अब मैं दूसरी तरफ पकौड़े की तैयारी करूँगी। ये देखिए मैंने प्याज काट लिए हैं, इसमें पहले जाएगा ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च, ये मैंने काट लिए हैं। अब इसमें मिर्च, पिसी हुई मिर्च थोड़ी सी रखिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हरी मिर्च पहले से डली हुई है। ये हल्दी है और नमक, इसमें थोड़ी सी दही डाल दीजिएगा, इससे ना टेस्ट अच्छा आता है पकौड़ों में टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए ये मैं अब तड़का लगाने जा रही हूँ। ये जो मैंने पकोड़े तले थे उसी का मैंने तेल लिया है, इसी में मैं तड़के लगाऊंगी। देखिए मैंने ज़ीरा लिया है पहले, ज़ीरा के बाद ये लहसुन, ये साबुत खाड़ा लहसुन मैं डालती हूँ क्योंकि इससे ना टेस्ट अच्छा लगता है। ये देखिए लहसुन पक गया, इसमें मैं मेथी डालूँगी और फिर उसके बाद इसमें हरी मिर्च। मेरे पास लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी इसीलिए मैं ये हरी मिर्च का तड़का लगा रही हूँ। अब इसी में मैं प्याज डालूँगी। ये देखिए मेरा कढ़ी पकौड़े तैयार हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।